प्रवर्तन निदेशालय ने एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की संपत्ति की जांच शुरू की। लखनऊ पुलिस ने विकास दुबे के बड़े बेटे को पूछताछ के बाद छोड़ा। 24 घंटे में 27,114 मरीजों के साथ आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया। दुनिया में कोरोना मामले 1,20,00,000 के पार पहुंच गए। यूपी में 3 दिन लॉकडाउन की वजह से बिना पास नोएडा में एंट्री नहीं। काफी हद तक कोरोना काबू करने के लिए WHO ने मुंबई के धारावी की तारीफ की। कोलकाता के ईडन गार्डन में क्वारंटीन सेंटर बनेगा। अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश में 6 उग्रवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए। कठुआ में BSF ने पाकिस्तान की फायरिंग का कड़ा जवाब दिया। राजस्थान में 24 कांग्रेस विधायकों ने BJP पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। रीवा सोलर प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर असत्याग्रही लिखकर PM पर हमला बोला। PM मोदी ने 26 जुलाई के मन की बात के लिए सुझाव मांगे। गिरिराज सिंह ने देश के विकास के लिए एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताया। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी से कांग्रेस का नेतृत्व करने की अपील की। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे बड़ी प्राथमिकता। सलमान की मैनेजर रही रेशमा शेट्टी ने पूछताछ में सुशांत की बायकॉट की खबर को अफवाह बताया। भारत में 2018 के बाघों के सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज।